हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक है। आज हम जा रहे हैं कटहल की सब्जी बनाने और चने के दाल का पूड़ी बनाने। ये हमारे घर का चना का दाल है और एक कटहल, और इस पूड़ी में डालने के लिए दो गट्ठल लहसुन है। इसको हम फटाफट छील लेती हूँ। अब इसको हम भाप से पकाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल लूंगी कि सब अंदर तक मिल जाएगा। यहाँ पानी रखती हूँ उबलने के लिए। इस बर्तन में हम रख के उबाल लूंगी। इसको भाप से पकाऊंगी, पानी में नहीं उबालूंगी, नहीं तो पानी अंदर तक चला जाता है ना, तो अच्छा स्वाद नहीं आता है। इसलिए हम भाप से पकाएंगे इसको। देखिए पानी हमारा उबल रहा है। अब इसको हम ढक के पका लूँगी। जो छोटा कटहल होता है ना, तो उसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। इसका भी टेस्टी बनेगा, इसका भी बहुत अच्छा बनेगा। इसमें थोड़ा बिया हो गया है तो इसका भी बढ़िया ही सब्जी बनेगा। तो इसको हम उबाल लूँगी ढक्कन से, ढककर भाप से उबालूँगी। अब इसको हम फटाफट चना को पका लेती हूँ और लहसुन भी छील लेती हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ। इस चने दाल को मैं पानी में उबाल लेती हूँ। इसे उबालते समय मैं हल्दी डालूंगी, नमक नहीं डालूंगी, नमक बाद में डालूंगी। तो हल्दी डाल के उबाल लूंगी। अब इस लहसुन को मैं छील लेती हूँ फटाफट। देखिए दोस्तों, सब्जी बनाने के लिए मैं लहसुन प्याज छील ली हूँ और इतना लहसुन मैं पूड़ी में डालूंगी। अब देखती हूँ मेरा उबल गया है कि नहीं। उबल गया है बहुत अच्छे तरह से। उबल गया है, बहुत गर्म है। देखिए एकदम उबल गया है। इसको गैस को बंद कर देती हूँ। एकदम उबल गया है। अब इसका भाव बहुत बढ़िया से बनेगा कटहल की सब्जी। अब इसको हम पीस लेंगे। ये हमारा छोटे छोटे टुकड़े हैं, धोकर इसको छीलकर काट ली हूँ। अब इसको हम मिक्सी जार में पीस लूंगी। देखिए दोस्तों, अपना हम पीस लिए हैं लहसुन प्याज अदरक मिर्चा। और यहाँ पर हमारे कुछ मसाले हैं तड़का देने के लिए। थोड़ा गरम मसाला है, धनिया के साथ थोड़ा गरम मसाला है, मेथी है, जीरा है, कलौंजी है, सरसों है, दो तेज पत्ते हैं तड़का देने के लिए। यहाँ पे मेरा हल्दी पाउडर है, यहाँ मेरा गरम मसाला है, यहाँ मेरा सब्जी मसाला है। इन्हीं मसालों से मैं अपनी कटहल की सब्जी बनाऊंगी। इन जीरा को मैं भून लेती हूँ, भून के इसको पीस लूंगी दाल के पूड़ी में डालने के लिए। इससे ये होता है ना कि खुशबू बहुत ज़्यादा आता है दाल की पूड़ी में। इसको हम भून के पीस लूंगी। अब हम कटहल को फ्राई करने के लिए हर चीज का थोड़ा थोड़ा तड़का दूंगी। जीरा डाल देती हूँ। थोड़ा सा राई डाल लूंगी, थोड़ी सी कलौंजी। अब सब चटक गया है मेरा। अब सब एक ही बार में फ्राई कर लूंगी।
और इसको एक बार मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, तो फिर उसके बाद मसाला मैं तैयार करूँगी। देखिए कटहल मेरा फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। अब हम इस तेल में अपने सारे मसाले ऐड करूँगी। पहले मेथी डालूँगी, मेथी डाल दूँगी, फिर उसके बाद जीरा डाल दूँगी, तेजपत्ते डाल दूँगी, अरे गरम मसाले हैं खड़े ये डाल दूँगी, अभी राई डालूंगी, तब तक मैं एक टमाटर काट लेती हूँ डालने के लिए। ये मेरा भुना गया है, अब इसमें हम अपने सारे मसाले मिला दूंगे। और एक कटा हुआ टमाटर भी डाल दूंगी। और इस मसाले में मैं नमक भी डाल लूंगी साथ में ही, कम नमक डालूंगी क्योंकि मैं उबालते समय भी नमक डाली थी कटहल में। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पका लूंगी। पूड़ी में डालने के लिए लहसुन और मिर्चा मैं पीस लूंगी, जीरा मैं भून कर पीस ली हूँ, सिर्फ इसको हमको पीसना है। देखिए मेरा दाल पिसा गया है, अब इसमें हम लहसुन और मिर्चा का पेस्ट डालूंगी, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये हमारा भुना हुआ जीरा है और ये हमारा पिसा हुआ हींग है, अब इसको सब हम मिला लूंगी। देखिए हमारे मसाले तेल छोड़ दिए हैं, अब इसमें मैं फ्राई हुआ कटहल डालूंगी। हमारा कटहल एकदम पक गया है, इसमें हमको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम थोड़ा से 2 मिनट के लिए भाप से पका लूँगी और हमारा सब्ज़ी बनके रेडी हो गया है, क्योंकि मसाला भी हमारा पक गया है। देखिए सब्ज़ी हमारा बनके तैयार हो गया, बहुत खुशबू आ रही है इसकी अच्छी सी। अब इसको हम बंद करके रख देंगे। हमारी दाल की पूड़ी बन रही है, हमारी दाल की पूड़ी बनके तैयार हो गई है। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।